सस्कांता की रसोई में आपका स्वागत है और आगे फिर एक रेसिपी लेके आई हूँ मसाला डोसा। आलू भर के मसाला डोसा और साथ में सांभर मिक्स दोनों चीज़ बनाऊंगी एक साथ ही। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें अरहर की दाल जो है वो मैंने ली है, तो ये मैंने आधा कटोरी लिया हुआ है, पर इसको 20 मिनट भिगा दिया था तो ये मैंने इसका नाप के आधा कटोरी लिया है। और आप पास कोई भी कटोरी, उसकी हाफ कटोरी, ये चार लोगों के लिए सफिशियंट है, और ज़्यादा लोग आपके यहाँ तो थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसको ये भिगा दिया है, ये 20 मिनट, और पानी निकाल दिया, खूब अच्छे से धो लिया है इसको। और इसके अंदर मैंने डालने के लिए सब्जियाँ ली हैं, जो जो मेरे पास सब्जियाँ थी, बैंगन है, गाजर है, कद्दू है, लौकी है, टमाटर, और ड्रम स्टिक हमारे पास नहीं है, यह समय मिल भी नहीं रही मार्केट में, धनिया है, और इधर मैंने लिया है प्याज है, हरी मिर्च है, और अदरक ग्रेट किया हुआ लिया। और इसका जो डोसे का बैटर है वो ये बनाया हुआ है मैंने अपने घर में, तो इसको बनाने के लिए मैंने ओवरनाइट इतना कटोरी, मैंने 3 कटोरी चावल लिया, वही चावल लीजिए जो खिचड़ी जैसे हम लोग बनाते हैं, तो ये 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल, इसको खूब धोया, साफ किया, चावल को अलग भगोने में और दाल को अलग भगोने में भिगा के ओवरनाइट रख दिया। और मॉर्निंग में चावल अलग पीसा है और उड़द दाल को अलग पीसा, उड़द दाल में आधा चम्मच हमने मेथी दाना भी डाल दिया था रात में भिगाते समय, और सवेरे दोनों को अलग अलग पीस के और मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फिर ये देखिए, मिक्स करके दोनों को काफ़ी फेंट लिया, और इसके अंदर मैंने 1/4 स्पून जो है इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डाल दिया, और आधा चम्मच इसमें मैंने दही डाला है, और कुछ नहीं डाला, और इसको फर्मेंटेशन के लिए मॉर्निंग से रखा हुआ है। अब देखिए बिल्कुल फूल के कितना बढ़िया हो गया है। अभी मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला, जब मैं बनाऊंगी तभी सॉल्ट डालूंगी, जितना डोसा आज बन जाएगा बाकी जो बच जाएगा तो मैं मटेरियल फ्रिज में रख दूंगी, फिर कल कुछ भी बना सकती हूँ, उत्पम बना सकती हूँ इससे, या अप्पे बना सकती हूँ इससे, तो ये हमारा इसमें यूज़ हो जाएगा। तो इसके लिए नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक डालने से हो सकता है कि थोड़ा खट्टा हो जाए, इसलिए नमक जब हम बनाएंगे तभी डालेंगे नमक। तो और सबसे पहले हम सांभर बनाते हैं। मैंने इधर कुकर रखा हुआ है, और ये एक कटोरी दाल है जिसमें 2 टेबल स्पून मैं ऑयल लूंगी, ये देखिए 2 टेबल स्पून लिया मैंने, और इसके अंदर हम थोड़ी सी राई डालेंगे, आधा चम्मच हमने इसमें टीस्पून राई डाल दिया, राई चटक रही है। अब मैं इसमें गैस को थोड़ा सिम कर देंगे, और इसमें प्याज डालेंगे, ये 2 प्याज मैंने छोटे लिए थी, और इसके साथ मैंने ये अदरक डाला है, और ये 2 हरी मिर्च है। ज़्यादा मुझे, मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगी, लाल नहीं करना प्याज को, बस थोड़ा सा सोटे करना है बस। और अब मैं इसमें सब्जियाँ डाल दूँगी, तो ये सारी सब्जियाँ इसमें डाल दे रही हूँ, छोटी छोटी मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं काटी है, क्योंकि दाल मेरी भीगी हुई है तो जल्दी ही वो मिक्स हो जाएगी। थोड़ा टमाटर अभी डालूंगी, थोड़ा टमाटर बाद में डालूंगी, थोड़ा सब्जियों को इसमें थोड़ा सा भून लेंगे तो और अच्छा टेस्ट आ जाता है। और फ्लेम को बढ़ा देंगे, इससे थोड़ा हम तो भून ले रहे हैं, आधी चम्मच हल्दी, टर्मरिक पाउडर डालेंगे, और इसमें डालेंगे 1/4 रेड चिल्ली पाउडर, और इसमें डालेंगे 1 छोटा टीस्पून नमक, और 1/2 टीस्पून इसमें मैं थोड़ा सा धनिया भी डालती हूँ, और इसको
थोड़ा सा चला देंगे, इससे थोड़े से मसाले ये भून जाए। और इसमें मैं सांभर मसाला डालूंगी, ये टेबल स्पून। सांभर मसाला ये है, मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून। थोड़ा इसको मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें अपनी दाल भी डाल देंगे। भिगा के दाल बनाएंगे तो जल्दी सांभर बनता है। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे, पहले पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे कुकर से बाहर निकलने लगता है। पहले भी हम करें करें 1.5 गिलास पानी डाला है। और इसको हम एक विसल इसकी तेज पे लगाएंगे हाई फ्लेम पे, और बाकी फिर स्लो कर देंगे तो 5 मिनट उसके बाद और रखेंगे। ये देखिए मैंने करीब 1 kg आलू लिए हुए हैं ये, और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद मैं इसको मैश नहीं करेंगे, छोटे टुकड़े इसके कर देंगे हम, इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, ग्रेट नहीं करना है, तो छोटे छोटे टुकड़े करना है। ग्रेट करने से वो एकदम लसलसे हो जाते हैं। मैं 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। और फ्लेम हमारी गर्म है, जिससे गर्म होगा मैं इसमें राई डालूंगी। आलू मैश हो चुके हैं एकदम, जिससे छोटा टुकड़ा कर दिया, एकदम मैश कर दिया। फिर इमली का पानी भी भिगा के रखा, उसको छान लेंगे भी। अब मेरा ये कढ़ाई में भी ऑयल डाला है, गर्म हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा धीमा कर देंगे जिससे मसाले गले नहीं। और मैं थोड़ी सी 1/4 स्पून जो इसमें हींग डालूंगी, और 1/2 चम्मच में इसमें जीरा डालूंगी। और ये प्याज डाल दूंगी, और ये थोड़े से कड़ी पत्ता भी डाल देंगे इसमें भी, और इसमें ड्राई डाल देंगे। आधी चम्मच राई करी हमने डाली है इसमें, थोड़ा चला देंगे जी। मैं ये मटर थोड़ी सी, मैंने मटर भी लिए है, फ्रोजन मटर है, मैं इसमें डाल दूंगी, थोड़ी सी ये गल जाएगी। वैसे भी आधी गली हुई थी, इसमें 2 हरी मिर्च मैंने काटी है वो डाल दूंगी। अब मैं इसमें अपने मसाले डालूंगी, हाफ स्पून टीस्पून हल्दी डालूंगी, 1/2 स्पून धनिया पाउडर डालूंगी, 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी, और 1 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी। आधा चम्मच है गर्म मसाला पाउडर डालूंगी, और 1/2 चम्मच खटाई डालूंगी, अमचूर पाउडर। वैसे भून लेंगे, और हम इसमें ये जो मैंने आलू अपना रखा है इसको डाल देंगे।
इसमें ज़रा ठंडा होगा तब खोल के देखूंगी, जब गैस ऑफ कर लूँगी। थोड़ी देर भून लेंगे इसमें। ये आलू हो चुका है हमारा, बन गया। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, इसको मिक्स करके और गैस ऑफ कर देंगे हम अपनी। ये आलू मेरा स्टफिंग तैयार है, जो डोसे में भरी जाएगी। ये स्टफिंग तैयार है और हम इसको निकाल दे रहे हैं बाउल में। और इसमें कुछ पानी गाढ़ा था तो मैंने अलग से पानी गर्म करके डाला है, क्यों पानी इसी में नहीं डालना चाहिए। पानी जब भी कम हो तो पहले गर्म करिए फिर उसमें डालिए। मैंने गर्म करके इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, तो मैं इसमें एक चम्मच ऑयल डालूंगी। ये गर्म हो गया है, इसमें मैंने ये गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे नहीं तो मसाले जलने लगेंगे। इसमें पहले मैं ये राई डाल रही हूँ, हींग डाल रही हूँ, करी पत्ता और लाल मिर्ची। इसमें थोड़ी में कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी जिससे इसका कलर अच्छा जाता है। और इसमें अब थोड़ा सा मैं इमली का पानी, जितना खट्टा खाना चाहे उतना अब इमली का पानी इसमें उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ, खट्टा कम पसंद है इसलिए। मेरा सांभर बन के ये तैयार है। अब ये जो मैंने नारियल रखा है इसकी मैं चटनी पीसूंगी। ये हरा नारियल है जो हम लोग खाते हैं, इसको इसमें डाल देंगे और इसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे और नमक डाल देंगे और इसमें मिर्चा नहीं डालेंगे, ऊपर से तड़का लगाएंगे। और इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच सॉल्ट डाल देंगे। हाँ देखिए, इसमें नमक डाल दिया है और अब हम इसमें नींबू भी निचोड़ दिया मैंने, ये नींबू आधा निचोड़ छोड़ा है और मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब फिर इसमें राई और कड़ी पत्ता और लाल मिर्च का छौंका लगा दूँगी। ये चटनी में मैंने नींबू डाला हुआ, नमक डाला और नारियल पीसा है और अब मैं इसमें छौंका लगा दूँगी। तो इधर मैंने रिफाइंड डाला है और इसमें थोड़ा आधी चम्मच राई डालूँगी और कड़ी पत्ता डालेंगे और जो भी मैंने निकाली थी वो मैं डाल दूँगी और इसको उसके ऊपर छौंका लगा देंगे। देखिए चटनी बन के तैयार है। ये डोसे का बैटर मैंने इतना निकाल लिया है, बाकी अलग रखा हुआ है और उसमें मैंने नमक मिलाया और कुछ नहीं मिलाया। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ऐसे होने से रनिंग वाली। और हम सबसे पहले इसमें अपने पैन रखा है, उसमें पहले पानी डाल देंगे, वॉश देंगे इसको बैटर और गैस को बिल्कुल सिम रखेंगे। और इस कटोरी से मैं बीच में ऐसे डालती हूँ एक कटोरी और इसको बढ़ाती चली जाती है। नॉन स्टिक पर बना रही हूँ तो मैं नॉन स्टिक पर ही बनाती हूँ, मेरे पास ऐसा तवा नहीं है, मैं नॉन स्टिक पर बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। इसको धीमे गैस रखेंगे हम स्लो और साइड से इसमें हम रिफाइंड डालेंगे, तेज नहीं करते क्योंकि धीरे धीरे ये निकले, हल्का सा रिफाइन साइड में डाल देते हैं। गैस एकदम मीडियम से लो की तरफ है।
ये देखिए, ये मेरा डोसा सीख चुका है, अब मैं इसमें स्टफिंग लगा रही हूँ। और ये और इधर से इसको कितना बढ़िया सिखाए एकदम करारा। इसको निकाल देंगे, पहले मैं इसको पोंछूंगी और फिर इसमें ये पानी डालूंगी। पानी छोड़ के पानी में मैं थोड़ा ऑयल डाल रखा है इसमें, दो चार ड्रॉप, और अब मैं कपड़े से इसको पोंछ दूंगी। ये पानी है, थोड़ा सा ऑयल पड़ा है, इसमें छिड़कती हूँ जिससे ये तवा मेरा खुश रहता है। ये चलो अब मैं फिर दूसरा डोसा डालूंगी। गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे, देखिए ऐसे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। हल्का हल्का ऑयल हम साइड में डाल देंगे। कि हो गया है उसमें, मैं कितना अच्छा मेरा फूला है, इसमें स्टफिंग कर दूंगी जो मैंने हल्की बना के रखी है। डोसा बनके तैयार हो गया है देखिए, और फिर मैं पसारे और भी बना लूंगी। और ये सांभर है और ये नारियल की चटनी है, और इसको बनाइए और खाइए। बेटर घर में ही बनाइए तो ज़्यादा बेटर है। तीन हिस्सा चावल लीजिए और एक हिस्सा दाल लीजिए, और उसको ओवरनाइट भिगा दीजिए, और सवेरे उसको पीस लीजिए। और पीस के अलग अलग पीसिएगा, फिर मिक्स करके एक साथ रख दीजिए उसको 6-7-8 घंटे के लिए। जाड़े में ज़्यादा समय लगता है, गर्मी में 8 घंटे से ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके अंदर हल्का सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए और 1 चम्मच दही डाल दीजिए, मिक्स करके रख दीजिए। देखिए कितना बढ़िया बैटर और कितने अच्छे डोसे बनेंगे। और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तक नमस्कार।